एक शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनिम है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। डिफरेंट है श्लोक तो वही है जी, श्लोक वही होते हैं, अलग अलग साधुओं ने उस पर कमेंट्री लिखी है, शिला प्रभुपाद ने कमेंट्री लिखी है उस पर। तो इस्कॉन से जुड़ने का क्या प्रोसेस है और इस्कॉन के कुछ चार नियम बताए जाते हैं जुड़े हुए, तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या कभी इस्कॉन में हिंदू राष्ट्र को लेकर के चर्चाएँ होती हैं? तो जैसे भगवत गीता होती है, एक तो पुरानी भगवत गीता पहले से चली आ रही है, एक भगवत गीता का जो अर्थ प्रभुपाद जी ने लिखा था, तो इन दोनों में कितना डिफरेंट? और हिंदू राष्ट्र को लेकर के हम एक बात करें तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, वो घोषणा करते हैं मंच से कि हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, तो इसको लेकर के इस्कॉन का क्या मानना है, उसमें क्या इस्कॉन सपोर्ट करेगा हिंदू राष्ट्र? ब्रजवासी मतलब वृंदावन में रह रहे हैं और ब्रज की चेतना में भगवान की भक्ति कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ 24 HD, मैं आपके साथ गोपाल ठाकुर। दर्शकों, आज की चर्चाओं में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर केशवानंद दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। केशवानंद दास जी, मैं आपसे सबसे पहले सवाल ये करूँगा कि आपका ये नाम बचपन से था या आप? नहीं, पहले तो अलग नाम था मेरा। क्या नाम था पहले? पहले जो भी था अब तो हम भूल गए, बट फिर जब हमारे यहाँ दीक्षा होती है जी तो नाम चेंज हो जाता है, तब फिर केशवानंद दास हो गया। तो आज का हमारी जो चर्चाएं हैं वो इस्कॉन को लेकर के, सनातन को लेकर के और हिंदू धर्म को लेकर के रहेंगे प्रभु जी। तो मैं सबसे पहले आपसे सवाल करूंगा, इस्कॉन क्या है? इस्कॉन एक शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनिम है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और शिला प्रभुपाद ने इसको एस्टैब्लिश किया था जब अमेरिका गए थे शिला प्रभुपाद प्रीचिंग करने के लिए 1960s में के एंड में जी। और फिर उसके बाद इंटरनेशनल, तभी इंटरनेशनल नाम रखा है, और फिर इंडिया आए और फिर इंडिया आके उन्होंने प्रीचिंग की और फिर वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ। श्रीला प्रभुपाद जी, उनके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएंगे? श्रीला प्रभुपाद मतलब एसी भक्ति विदांता स्वामी प्रभुपाद जी। श्रीला प्रभुपाद ने श्रीला प्रभुपाद अमेरिका गए, काफ़ी साल प्रभुपाद ने यहाँ पर प्रीचिंग की, इंडिया में ट्राई किया 30 साल तक। प्रभुपाद पहले फैमिली लाइफ में थे और भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर उनके गुरु महाराज थे, और फिर जब वो उनके गुरु ने ऑर्डर किया कि आप बाहर के देशों में प्रीचिंग करो, स्पेशली इंग्लिश में, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इंग्लिश जानता है और इंग्लिश से प्रभावित है। सो प्रभुपाद, इसलिए प्रभुपाद ने इंग्लिश किताबें लिखी वृंदावन में रहकर, वृंदावन में थे काफ़ी, हाँ 20-30 साल वृंदावन में रहे, और फिर यहाँ से फिर बुक्स लिखी, और फिर बुक्स लिख के फिर शिला प्रभुपाद सबसे पहले ट्राई कर रहे थे जापान जाने की, वहाँ पे बनानी, फिर यूके जाने की ट्राई कर रहे थे, फिर फाइनली अमेरिका गए शिला प्रभुपाद, वहाँ पे शिला प्रभुपाद ने मूवमेंट एस्टैब्लिश किया। हिप्पीज थे बड़े सारे लोग उस टाइम, हिप्पी मूवमेंट चल रहा था अमेरिका में, और वो हिप्पी मूवमेंट मतलब काउंटर कल्चर, ये हमें एजुकेशन नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, रिवोल्ट कर दिया सोसाइटी के प्रति। हाँ, तो प्रभुपाद वहाँ उस टाइम लैंड किए, तो उस टाइम लोग सर्च कर रहे थे स्पिरिचुअलिटी, और लोग सर्च कर रहे थे ड्रग्स के अंदर और इधर उधर। प्रभुपाद ने कहा ड्रग्स क्यों पीनी है, भगवान का नाम लो, जितनी आनंद ड्रग्स में उसे करोड़ों गुना आनंद भगवान के नाम में, तो सब भगवान के नाम में लग गया, हरे कृष्णा मूवमेंट फेमस हो गया। तो जैसे भगवत गीता होती है, एक तो पुरानी भगवत गीता पहले से चली आ रही है, एक भगवत गीता का जो अर्थ प्रभुपाद जी ने लिखा था, तो इन दोनों में कितना डिफरेंट है? श्लोक तो वही है जी, श्लोक वही होते हैं, अलग अलग साधुओं ने उस पर कमेंट्री लिखी है, शिला प्रभुपाद ने कमेंट्री लिखी है उस पर, श्लोकों का अर्थ लिखा है, अर्थ कोई मतलब चेंज नहीं है, अर्थ वही है, मगर अर्थ पे जो टिप्पणी है जी वो प्रभुपाद ने स्पेशल किया है। उस प्रभुपाद ने उसी श्लोक को मॉडर्न ज़माने के हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया। अभी जितने लोगों ने साधुओं ने गीता लिखी है उन्होंने थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में एक्सप्लेन किया है, टेक्निकल शब्द यूज़ किए हैं अर्थ में करते हुए, ऐसे भी उन्होंने कर दिया भी कि जीवन का लक्ष्य निर्वाण है, और शिला प्रभुपाद ने कहा जीवन का लक्ष्य मेटेरियल प्रॉब्लम्स, कोई हमारी प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है, टेंशन है, उससे निकलना है और भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, सिंपल भाषा हो गई। एक थोड़ी हार्ड भाषा को साधारण भाषा में शिला प्रभुपाद ने ये किया है, इसलिए पूरी दुनिया में सबको गीता समझ आने लगी, उन्होंने कहा अच्छा हम भी लेंगे भाई, यही और कुछ नहीं है। तो इस्कॉन से जुड़ने का क्या प्रोसेस है और इस्कॉन के कुछ चार नियम बताए जाते हैं, वो क्या नियम है? इस्कॉन से जुड़ने का, यहाँ पे इस्कॉन से जुड़ने के लिए कोई पैसे नहीं ले जाते, ऐसा कोई मेंबरशिप ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ मेंबरशिप बताया जाता है, मेंबरशिप देनी होती है, लाइफ मेंबरशिप वो एक अलग प्रोसेस है, जिसको लेना है ले, वो तो बुक्स लेने के लिए होता है। अच्छा, अगर आपको रैली में जुड़ना है तो उसके लिए कुछ नहीं, आप हरे कृष्णा मंत्र जप करो, 16 माला मिनिमम जप करते हैं हम लोग यहाँ,
और चार नियम है, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, मांस नहीं खाना, मछली नहीं खाना, अच्छा ही है तो, हाँ जी, शराब नहीं पीना, और फिर उसके बाद जुआ नहीं खेलना, और फिर क्या है, परस्त्री गमन नहीं करना है, तो ये तो बहुत अच्छे नियम है, तो सबको पालन ही करने चाहिए, और भगवान का नाम लेना, काम खत्म हो गया, इस्कॉन से जुड़ गया। तो इस्कॉन का मेन उद्देश्य क्या है? इस्कॉन का मेन उद्देश्य है भगवान के लिए, भगवान से जुड़ना और उनको प्रेम करना सीखना, ये मेन उद्देश्य है। भगवान कौन है, हम कौन हैं, है ना जी, भाई हम लोग कौन हैं, हम आत्मा हैं, और हम आत्मा का कनेक्शन क्या है भगवान से, भगवान कौन है, भगवान कृष्ण है, और उनसे दोबारा कनेक्शन एस्टेब्लिश करके भगवान के पास हमेशा के लिए चले जाना। तो भगवान के पास जाने का रास्ता इस्कॉन के द्वारा बताया जाता है, ठीक है। तो एक रास्ता ये हरे कृष्ण नाम से ही क्यों, ये राधे राधे से क्यों नहीं, राम राम से क्यों नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें, नहीं कोई भी नाम लो, कोई भी, अब राम राम लो, अयोध्या में राम राम बोलते हैं बहुत अच्छा है, वृंदावन में राधे राधे बोलते हैं ठीक है, हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं ठीक है, और कुछ लोग नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं साउथ में, श्री कृष्ण शरणममा बोलते हैं वल्लभ संप्रदाय वाले, निम्बार्क संप्रदाय वाले राधे श्याम बोलते हैं, आप बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रोवाइडेड ये है कि समझ के बोलो जी, है ना, समझ के कैसे, समझ के मीन्स ये समझ के कि भगवान का नाम भगवान खुद हैं, और ये समझ के कि भगवान कौन है, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो आपको रिजल्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कभी इस्कॉन वाले को राधे राधे, कोई भी मैंने देखे हैं राधे राधे बोलते नहीं देखा, या फिर बहुत से हैं कभी उनको राम राम बोलते नहीं देखा, एक हरे कृष्ण क्यों चुना गया इस्कॉन के अंदर? वो तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि हरे कृष्ण बोलो, स्क्रिप्चर्स में लिखा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति शोटसक नाम राम कली कलमशनाशनम सर्ववेदेषु दृश्यते नाथ परतरो का है। तो शास्त्रों में हमारे जो चैतन्य महाप्रभु ने एस्टैब्लिश किया ना 500 साल पहले ये मूवमेंट बंगाल में, तो उनको फॉलो करते हुए आ रहे हैं हम। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की, और चैतन्य महाप्रभु से 500 साल पहले आए थे, हम लोग उनको भगवान का अवतार ही मानते हैं, और राधा कृष्ण ही थे मिलित अवतार, और उन्होंने वहाँ बंगाल में प्रीचिंग की हरे कृष्ण महामंत्र की और कृष्ण प्रेम की। राधा कृष्ण का अवतार थे चैतन्य महाप्रभु, तो किस रूप में वो यहाँ पर आए, किस रूप में? हाँ। वो तो पूरी हिस्ट्री आप बुक्स पढ़ो, वो तो एक सन्यासी के रूप में थे, एक बोला जाता है एक भक्त के रूप में वो यहाँ, हाँ भक्त के रूप में, हाँ भक्त के रूप में थे वो, सन्यासी थे और उन्होंने प्रीचिंग की वहाँ पर, और फिर उसके बाद षड गोस्वामी आए, रूपा सनातन गोस्वामी, वो वृंदावन में थे, आप वृंदावन जाके पूछो गोस्वामी के बारे में पता है, कितने भी मंदिर नहीं आए, राधा रमन मंदिर, गोपाल भट्ट गोस्वामी, राधा दामोदर मंदिर, रूपा गोस्वामी, इतने लोग जाते हैं, तो सारे महाप्रभु के शिष्य थे, उन्होंने वृंदावन ढूंढा, किताबें लिखी यहाँ पर, और फिर प्रचार किया, तो उसके बाद फिर उसी परंपरा में शीला प्रभु का आधार है। तो सनातन को लेकर के इस्कॉन का क्या मानना है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सनातन मतलब जो भूत भविष्य वर्तमान में समान रहेगा, जैसे भी एक जमा एक दो है वो भी सनातन है जी, धर्म सनातन थोड़े ना होता है, जो चीज़ हमेशा से सेम रहती है वो सनातन है। लेकिन सनातन तो एक धर्म है ना, हिंदू एक धर्म नहीं है, सनातन एक धर्म है। धर्म हिंदू तो नाम है, हिंदू नाम है, लेकिन सनातन एक धर्म है, प्राचीन धर्म है, सनातन सबसे पुराना धर्म है। हाँ धर्म को हम सनातन इसलिए कहते हैं क्योंकि धर्म हमेशा से वही का वही रहता है, भी सच बोलना, तो पहले भी सच बोलना है, परसों भी सच बोलना है, आज भी सच बोलना है ना, तो इसलिए सच धर्म है, सनातन है। तो जितनी भी हमारी जो वैल्यूज़ हैं लाइफ में, दया करना, तपस्या, शौचम, है ना, ये सारी चीज़ें, सत्य, ये सनातन धर्म है, प्लस भगवान सनातन धर्म है, भगवान भी वही थे पहले, अभी भी वही आगे हुई हैं, उनको प्रेम करना भी सनातन है, उनका नाम लेना भी सनातन है, तो इस्कॉन भी सनातन है। प्रभु जी आप इस्कॉन से कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं? मुझे तो 25 साल हो गए, 25 साल हो गए इस्कॉन से जुड़े हुए। तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या कभी इस्कॉन में हिंदू राष्ट्र को लेकर के चर्चाएँ होती हैं कि अपना भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र को लेकर हम ज़्यादा चर्चा शायद ना भी करते हैं, क्योंकि चक्कर है कि हमारा जो फोकस है भगवान की टीचिंग्स देना है जी, तो इसलिए हम उसी पे फोकस करते हैं। वैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर फोकस करेंगे अपना मेडिकल फील्ड पे, इंजीनियर इंजीनियर फील्ड पे, मिलिट्री वाले मिलिट्री। मैं अभी फिरोजपुर गया था, वहाँ पे बॉर्डर पे, तो वो भारत माता की जय बोल रहे थे, ठीक है अभी वो करेंगे, हमारा काम है भगवान के बारे में बताना, हम वो बताते हैं, हम फोकस्ड हैं उस पे। फिर भी सनातन के लिए इस्कॉन ने काम किया है, सनातन को विदेशों में इस्कॉन ने ही पहुंचाया है सबसे ज़्यादा। और हिंदू राष्ट्र को लेकर के हम एक बात करें तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, वो घोषणा करते हैं मंच से कि हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, तो इसको लेकर के इस्कॉन का क्या मानना है, उसमें क्या इस्कॉन सपोर्ट करेगा हिंदू राष्ट्र में?
पता नहीं मुझे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट हमारा सपोर्ट तो है कि अगर भगवान की प्रीचिंग करेगा नहीं इस्कॉन का सनातन के लिए ही सपोर्ट है, और सनातन का ही प्रचार इस्कॉन करता है, ना कि किसी अन्य धर्म का करता है, यही है सनातन का करता है। तो हिंदू राष्ट्र में क्या इस्कॉन को कोई समस्या होगी हिंदू राष्ट्र घोषित होने पर? पता नहीं हमें, क्योंकि चक्कर ये है कि हमारे जो भागवत हैं जी, हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा सनातन धर्म कहता है कि हम समाज की सीमाओं से, देश की सीमाओं से, संसार की सीमाओं से ऊपर उठें, है ना। इंसानों ने समाज की और देश की सीमाएं बनाई हैं जी, तो हम तो आत्मा की बात करते हैं और परमात्मा की। हिंदू राष्ट्र की बात हम ज़्यादा करते भी नहीं, क्योंकि ये तो राष्ट्रों की बात है, सीमाओं की बात है, देश की बात है। अभी शीला प्रभुपाद ने के बोला ना हम हिंदू हैं ना अमेरिकन है, टीचिंग ही हमारी है, तभी तो सक्सेसफुल हुए हम जी। अमेरिकन को आके बोला अभी ना तो अमेरिकन हो ना हिंदू हो ना चाइनीज़ हो, तुम आत्मा हो, भगवान के दास हो और भक्ति करो। लेकिन अमेरिकन अगर यहाँ आते हैं तो वो सनातन अपनाते हैं, तो वो एक सनातन ही हो जाते हैं। सनातन जो है ना, सनातन कोई 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 एक सेक्ट नहीं है जी। सनातन अब सनातन शिक्षा है सनातन, वो कोई भी दे सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, 1+1=2 आज इंडिया के स्कूल में पढ़ाओ, अमेरिका स्कूल में पढ़ाओ, एक ही तो बात है, 1+1=2 है। हम वो शिक्षा दे रहे हैं। प्रभुपाद अमेरिका का है, प्रभुपाद ने कहा तुम देखो भगवान से प्रेम करना है, प्रेम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभुपाद ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम्हें क्रिश्चियन बनना है तो अच्छे क्रिश्चियन बनो जी। तो फिर तो लोगों ने कहा यार ये तो बहुत बड़ी सोच है, कोई छोटी सी सोच नहीं कि हमारा धर्म उसका धर्म, हम इसमें नहीं मानते हमारा धर्म उसका धर्म, सनातन धर्म सबके लिए है। लेकिन जो सवाल था उसके अकॉर्डिंग जवाब नहीं रहा, चलिए कोई बात नहीं। अब बात कर लेते हैं प्रभु जी, ब्रजवासियों का इस्कॉन के जो क्या बोलते हैं आपके यहाँ, इस्कॉन जो अपनाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? डिवोटीज बोलते हाँ। हैं तो इस्कॉन के जो डिवोटीज हैं वो ब्रजवासियों से बताया जाता है, मैंने सुना किसी इस्कॉन वालों ने मुझे बताया कि ब्रजवासियों के लिए बोला जाता है ना तो उनसे ज़्यादा प्रेम रखना चाहिए ना उनसे कभी बैर रखना चाहिए, तो ऐसा क्यों? नहीं नहीं कौन कहता है, पता नहीं कौन कहता है। ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी वृंदावन में रहते हैं। अगर हमें कहते हैं कि ब्रजवासी की डेफिनेशन क्या है जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। अगर कोई आ रहा है वृंदावन में रह रहा है, वृंदावन में आके वो अंडा खा रहा है हाँ। मीट खा रहा है, अब तो मिल रहा है ना हाँ। अब तो मिलता है सब, मीट खा रहा है, पिक्चरें देख रहा है, तो व्रजवासी थोड़े ना है। व्रजवासी मतलब वृंदावन में रह रहा है और व्रज की चेतना में भगवान की भक्ति कर रहा है, शुद्ध जीवन जी रहा है, तो क्यों नहीं हम प्रेम करेंगे उससे। अगर उसका आचरण ही ठीक नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम। ब्रजवासियों को लेकर के ये भी है कि ब्रजवासियों को एक भगवान का रूप माना जाता है, अगर वो सही से फॉलो कर रहे हैं तो क्यों नहीं है हाँ। क्यों नहीं है वो जब यहाँ पे पूरा जीवन रह रहे हैं और वो भक्ति कर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है भी। हम तो पैदा नहीं हुए यहाँ पर जी, हम तो बाहर से आए हैं। तो अगर वो कर रहे हैं अभी हम उनके चरण छुएंगे, अगर वो बचपन से नाम ले रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध जीवन है, तो भी आप आशीर्वाद तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्रज में ही कृष्ण का जन्म पालन पोषण सब हुआ। और ब्रजवासी कन्हैया को ना अपना दोस्त मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, सखा मानते हैं, वो तो बहुत अच्छा है हाँ। मगर आजकल क्या है, बहुत लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, मानते तो हैं, मैं भी देखता हूँ, फिर उनको ना गीता पता रहती है, और फिर वो पिक्चरें वो देख रहे हैं, इंटरनेट वो देख रहे हैं, बाइक वो घुमा रहे हैं, तो फिर व्रजवासी का है। व्रजवासी देखो मन से होता है, सिर्फ रहने से थोड़ा ना होता है यहाँ पर, मगर अगर रह भी रहा है, मन भी है, तो बहुत बड़ी बात है, वो एक बड़ी बात है, उसका एक सम्मान एक बहुत अलग स्तर पर होना। तो प्रभु जी मेरा एक सवाल और है आपसे आखिरी, कि इस्कॉन में क्या विष्णु भगवान के अलावा किसी और भगवान को भगवान माना जाता है? भगवान देखो, भगवान जो है वो परिभाषा है, भगवान सुप्रीम है और एक ही है जी। तो भगवान कृष्ण है हाँ। कृष्ण ही विष्णु है, कृष्णा घर में विष्णु ऑफिस है ऐसा हम कहते हैं। अच्छा हाँ, ऑफिस में विष्णु है, घर में कृष्ण है। राम भी वही उनके अवतार है ना, मत्स्य कूर वरा नरसिंह वही हैं। जहाँ तक ब्रह्मा जी की बात आती है जी, या गणेश जी, उनको हम बोलते हैं देवी देवता है, वो भगवान के दास हैं जी, वो सब बहुत बड़े वैष्णव हैं, इस तरह से मानते हैं। हम ये नहीं कहते सभी भगवान हैं, वो एक गलत फहमी है। लेकिन इस्कॉन का मानना एक है कि भगवान सिर्फ एक हैं, वो विष्णु हैं और सब उनके भक्त हैं, तो महादेव को क्या आप भगवान नहीं मानते? हाँ, प्रभुपाद ने क्लियर लिखा है शिव जी सबसे बड़े वैष्णव हैं। अच्छा हाँ, वो हमारे हिसाब से भगवान नहीं है। लेकिन विष्णु जी भी तो उसमें रामायण में भी दिखाया गया है कि विष्णु जी भी उनको अपना गुरु मानते हैं, महादेव को, और अपना भगवान मानते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं? पहले हम शास्त्र पढ़ते हैं, वेदों में लिखा है ओम तद विष्णु परम पदम यदा पश्यन्ति सूरया,
तो सब लोग जितने भी महान महान संत हैं यहाँ पर, सब लोग विष्णु कृष्ण को ही भगवान मानते हैं। शिव जी जो हैं, शिव जी एक्चुअली क्या है, भगवान के भक्त भी हैं, देवता भी है, और विष्णु और कृष्ण शिव जी में ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है, क्योंकि शिव जी बहुत एक कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि क्षीरम यथा दीपिका अभिशेष होगा, तो हम कृष्ण को दूध मानते हैं, शिव जी को दही, हरिहर हरिहर, तो कृष्ण का विष्णु का ही रूप है शिव जी, मगर भक्त के रूप में हम इस तरह मानते हैं। आपके हिसाब से इस पृथ्वी का, संसार का कैसे जन्म हुआ और कैसे इसका पालन पोषण हुआ शुरुआत से, आपके हिसाब से? मेरे शास्त्रों के हिसाब से, भागवत के हिसाब से, भागवत के हिसाब से पहले जो इस्कॉन मानता है, सबसे पहले एको बहु श्याम, सबसे पहले कृष्णा थे जी, और कृष्ण से फिर उसके बाद बलराम जी प्रकट हुए जी, बहु श्याम, फिर बलराम जी से फिर संकर्षण आए, फिर संकर्षण से महाशंकर्षण आए, फिर संकर्षण आए, फिर विष्णु आए, और फिर विष्णु से ब्रह्मा जी और शिव जी प्रकट हुए, और फिर ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों ने मिलकर सृष्टि की और प्रलय करते। विष्णु से प्रकट हुए ब्रह्मा और शिव जी, ठीक है, तो वो जब उनके ही अंश हैं तो उनको भी हमको भगवान मानना चाहिए ना। तो मैं महादेव के अंश हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी को सब भगवान मानते हैं। तो ये देखो, ये भाषा में डिफरेंस है, अच्छा, बस और कुछ नहीं है। लेकिन इसको कुछ इस प्रकार भी बताया जाता है कि संसार का उत्पन्न, जो उत्पन्न हुआ था संसार, तो कोई एक देवी थी, उन्होंने कोई पिंड थे उनको बनाया, अपने भी हुआ तो देखो, वो तो देखो देवी भागवत पुराण में ऐसा कुछ लिखा है, देवी थी, हम श्रीमद भागवत पुराण फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग सिनेरियो है। अब अगर आप वेद पढ़ोगे, अगर एक्चुअली क्या, अगर आधा पौना हम पढ़ेंगे तो फिर अलग अलग व्यूज़ आएंगे, अगर टोटैलिटी में पढ़ेंगे, आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान, टोटैलिटी में पढ़ेंगे, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, उसके बाद स्मृति शास्त्र, धर्म शास्त्र, तो कंक्लूजन ये आता है कि कृष्ण भगवान है। तो क्या इसे हम इस तरह से कर सकते हैं कि आपने बताया कि ये भगवान के भक्त हैं, महादेव हुए, गणेश जी हुए, ETC, ओनली भगवान एक है, विष्णु हैं, कृष्णा हैं, जिनके जो अवतार हैं वही भगवान हैं, तो इस्कॉन का क्या ये मोटिव है कि डायरेक्ट भगवान के पास आप डायरेक्ट भक्तों को पहुंचा रहे हैं, ना कि एक पहले महादेव की पूजा करो फिर महादेव से रिक्वेस्ट करो कि आप विष्णु के पास जाइए, विष्णु से पुनरुद्धार करिए? जरूरी नहीं, आप उनसे आशीर्वाद ले, महादेव सबसे बड़े वैष्णव है, महान है, उनसे आशीर्वाद लो कि कृष्ण की भक्ति करें, हमें आशीर्वाद दें, ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लें, भगवान के प्रेम हो, उनसे भक्ति करें जी। और प्रेम तो देखो भगवान कृष्ण से ही होता है जी। बाकी तो सबकी पूजा होती है, हमारे अकॉर्डिंग पूजा और प्रेम में अंतर है, ये लोग आशीर्वाद देते हैं, इनसे हमारी भक्ति बढ़ती है, हम लोग भक्ति, आप देखो वृंदावन में कृष्ण है और फिर चार महादेव हैं, चकलेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव नहीं जी, तो वो क्या करते हैं, वो लोग जो वृंदावन में आते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं कि कृष्ण की भक्ति मिले। तो क्या इस्कॉन में महाराज जी व्रत जो रहते हैं, हम लोग व्रत इस्कॉन में भी रखे जाते हैं क्या? विष्णु भगवान का दिन होता है, एकादशी व्रत होता है, हम लोग जैसे बृहस्पतिवार होता है कि उसका व्रत रखा जाता है विष्णु भगवान के लिए? बहुत सारे व्रत हैं हमारे समाज, हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में, और अच्छा है, मगर हम लोग केवल एकादशी व्रत रखते हैं। एकादशी, हाँ, क्योंकि एकादशी व्रत रखने से प्रेम मिलता है, बाकी जो व्रत है ना वो सब की व्यवस्था है, उसको रखने से भी आपको कोई संपत्ति मिलेगी, धन मिलेगा, अच्छा होगा, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं। जो इस्कॉन के हम जैसे डिवोटी हो जाते हैं तो उसके बाद क्या हम और व्रत रख सकते हैं या फिर इस्कॉन के नियम के खिलाफ हो जाता है और व्रत रखना? हम और व्रत देखो टेक्निकली और व्रत रख तो सकते हो, कोई ख़राबी नहीं है, सॉरी, मगर और व्रत रखना इसलिए ख़राब हो जाता है क्योंकि हमारा टारगेट प्रेम है, अगर और व्रत रखेंगे तो और व्रत का फल है दान, मतलब वो क्या कहते हैं, और व्रत रखने से सौभाग्य मिलेगा, धन मिलेगा, हमें चाहिए ही नहीं जी, तो इसलिए हम कहते हैं क्यों रख रहे हो भाई और व्रत? भक्ति के लिए भी रखे जा सकते हैं ना और व्रत? हाँ, अगर इस मंशा से भक्ति के लिए किया जाए तो कर लो, तो खराबी नहीं, उसका इस्कॉन कोई विरोध नहीं करता है ना, अगर हम और भी विरोध करते हैं, डिवोटीज जो व्रत रखते हैं, क्या ये नियम के खिलाफ तो नहीं है ना इस्कॉन के, कहीं ऐसा हो? मेंटालिटी पे है, एकादशी व्रत मेन है। अच्छा, अगर आप और कोई व्रत रख रहे हो और आप भगवान से भक्ति मांग रहे हो तो कोई ख़राब नहीं, मुझे तो नहीं खराब ही लगती, मगर प्रोवाइडेड विष्णु का व्रत विष्णु के लिए हो, कृष्ण के लिए हो।
आप जो एक भगवान का रूप जो विष्णु भगवान को दिया है, डायरेक्ट आप उनकी ही भक्ति करते हैं, उनके ही चरणों में जाने के लिए आप डिवोटीज को एक रास्ता दिखाते हैं। ये इस्कॉन का मुख्य उद्देश्य है और सनातन का प्रचार प्रसार आप विश्वभर में करते हैं। चलिए प्रभु जी, आगे से दोबारा हमारी और आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। एक सवाल फिर से मेरा रहेगा आपसे सनातन को लेकर के, हिंदू राष्ट्र को लेकर के, अगली मुलाकात में भी कि हिंदू राष्ट्र को लेकर के इस्कॉन का क्या मानना है और कितना सहयोग रहेगा। अभी मैं बात करते रहता हूँ भागवत गीता के प्रचार प्रसार को लेकर के, इस्कॉन किस प्रकार अपने प्रचार प्रसार को आगे बढ़ा रहा है, भगवत गीता को लोगों तक पहुँचा रहा है। हम तो पूरे संसार में भगवत गीता की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हमारा तो भाई एक ही ग्रंथ है गीता, एक ही भगवान है कृष्णा और एक ही नाम है हरे कृष्णा। एक ही काम है उनकी सेवा करना और इतना ही है। हरे कृष्णा महामंत्र दिया गया है, ये तो ये पूरा क्या है और इसके क्या लाभ होते हैं जप करने से, कितने जप करने चाहिए मंत्र? नहीं, वो तो देखो कली संतरा उपनिषद में ये दिया है नाम हरे कृष्णा मंत्र। कली संतरा उपनिषद में 16 शब्द का अक्षर का मंत्र है। ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कि ये नाम लेने से कलयुग में सारे विकार काम क्रोध लोभ मोह खत्म हो जाते हैं, हार्ट क्लीन हो जाते हैं जी। हम ये प्रॉमिस नहीं करते कि भाई आपको पैसे मिल जाएंगे, बैंक अकाउंट भर जाएगा। हम ये भी प्रॉमिस नहीं करते कि आपके जीवन में सब अच्छा होने लगेगा। ये ज़रूर प्रॉमिस करते हैं कि भगवान से कनेक्शन हो जाएगा आपको, आपको उनसे प्रेम मिल जाएगा, फिर भगवान जो चाहेंगे वो आपकी लाइफ में होगा। तो कितने जब हरे कृष्ण महामंत्र के हमको करने चाहिए? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। एक माला में 108 मन के होते हैं और एक मन के पे हम पूरा मंत्र करते हैं हरे कृष्ण मंत्र, और ऐसे 108 मन के पे हम पूरा नाम लेते हैं और फिर ऐसे 16 माला कर ली जाती है। 16 माला रेगुलर या दिन में कभी भी कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं। पर माला करने का कोई नियम? कोई नियम नहीं है, यही तो फ़ायदा है। तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काला, कभी भी करो, चल के करो, बैठ के करो, उल्टा लटके कर लो, सो मत, बस एक नियम है माला करते चलिए। प्रभु जी आपसे बात करके हमें अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और हमारे ब्रिजवासियों के लिए और दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बस हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई भगवान कृष्ण की गीता पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें, उनका नाम लें, उनसे प्रेम करें, अपना जीवन शुद्ध करें और दूसरों को इस भक्ति का प्रचार करें। आजकल समाज में भक्ति की बहुत ज़रूरत है। आजकल क्या है, समाज को अच्छा कर रहे, इंसान को अच्छा नहीं कर रहे। समाज में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, ये है एजुकेशन, इंसान वहीं का वहीं है, उसकी चेतना वहीं की वहीं है। तो हमारा ये है कि समाज इंसान से बनता है, इंसान ठीक हो जाएगा, समाज अपने आप ठीक हो जाएगा। इंसान ठीक होगा जब भगवान से जुड़ेगा। तो कृष्ण की भक्ति करें, कृष्ण का प्रचार करें, उनसे जोड़ें, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो दोस्तों अभी तक हमारे साथ मौजूद थे केशवानंद जी, प्रभु जी उन्होंने हमें इस्कॉन के बारे में बताया। इस्कॉन से रिलेटेड जो लोगों के सवाल रहते हैं, हम तक जो सवाल आए थे वो सवाल हमने किए और उनका जवाब भी हमने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही, इस्कॉन के बारे में हमने पूरी जानकारी की। तो आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ इन्फोरेस्टी, गोपाल ठाकुर के साथ शिवम ठाकुर की खास रिपोर्ट।